तो दोस्तों, अगर आप भी जब अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो आपका फ़ोन चार्ज होने में 2.5 से 3 घंटे या 4 घंटे तक लगा देता है और आपका फ़ोन काफ़ी धीरे धीरे चार्ज होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों आपको आपके फ़ोन की सिर्फ 3 ऐसी अल्टीमेट सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जिन्हें दोस्तों आपको अपने फ़ोन में ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यकीन मानना, आपका कोई सा भी फ़ोन हो, आपके फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको यकीन नहीं होगा। और दोस्तों, जो फ़ोन आपका चार्ज होने में जो है 2 घंटे 3 घंटे लगाता था, वही फ़ोन दोस्तों आपका इतना फास्ट चार्ज होगा कि आप देखेंगे कि 30 से 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों, ये सेटिंग इसीलिए दी हुई होती है। तो बस आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पूरा एंड तक देखना होगा, ओके। और दोस्तों, तीसरे नंबर की सेटिंग तो आपको जरूर देख के जाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में चले जाना हो, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है। आपको कमेंट बॉक्स में नाइस ट्रिक लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको बाइक चले आना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ आपके व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अब मैं आपको आपके फ़ोन की 3 सेटिंग बताऊंगा और ये तीनों सेटिंग आप कोई सा भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो हर एक फ़ोन में मिलेंगी। और दोस्तों, थर्ड नंबर की सेटिंग को तो आपको ज़रूर देख के जाना है, ओके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली सेटिंग की बात करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन में जाना है और आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक लोकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं लोकेशन बंद करने को बोलूँगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, आपको इसे बंद नहीं करना। अब अगर आपके नोटिफिकेशन में लोकेशन का ऑप्शन नहीं तो आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आपको नीचे ही पर ढूंढ लेना है, तो हर फ़ोन में आपको लोकेशन की सेटिंग मिल जाएगी, तो इसे आपको ओपन करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी लोकेशन सर्विसेज की, तो यहाँ पर आना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो आपको 2 सेटिंग दिखाई देंगी, वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग, और हर एक फ़ोन के अंदर दोस्तों ये दोनों सेटिंग्स जो हैं ऑन होती हैं। अब दोस्तों, ये दोनों सेटिंग जब ऑन होती हैं तो बैकग्राउंड में जो होता है आपका फ़ोन, वो हर समय वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्शन को स्कैन किया करता है, मतलब कनेक्ट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि आपका फ़ोन में जब बैकग्राउंड में हर समय ये स्कैनिंग चालू रहती है तो आप जब भी अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो दोस्तों आपका फ़ोन काफ़ी स्लो चार्ज होता है। तो इसे दोस्तों आपको कभी भी ऑन करके नहीं रखना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हमेशा बंद करना है। इससे दोस्तों आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और काफ़ी फास्ट चार्ज होगा। तो दोस्तों, ये पहली सेटिंग आपको करनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने फ़ोन के अंदर दूसरी सेटिंग करनी है। अब दोस्तों, दूसरी सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर सेटिंग में आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको टैप करना है और सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है बिल्ड नंबर। आपको इस तरीके से बिल्ड नंबर लिख के सर्च करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे बिल्ड नंबर लिख से सर्च करेंगे तो आपको बिल्ड नंबर देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको 7 बार टाइप करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे ही आप 7 बार दबाएंगे तो आपके फ़ोन में एक नई सेटिंग ओपन होकर आ जाएगी जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तो आपको सेटिंग में जाना और सबसे नीचे आपको डेवलपर की सेटिंग मिल जाएगी, ऊपर एडिशनल सेटिंग में। तो कुल मिलाकर आपको इस डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग को जो है ओपन करना है। अब दोस्तों, इसे ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर जो है एक सेटिंग ढूंढ लेनी है जो कि आपको ऐप्स वाले फोल्डर में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे चलते जाना और यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं एक सेटिंग मिलेगी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट के नाम से, तो इस पर आपको टैप करना। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके जो बैकग्राउंड प्रोसेस होगा वो स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होगा। तो दोस्तों, जब हर समय आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा होगा तो उससे भी आपका फ़ोन जो है स्लो चार्ज होता, तो इसे आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर कर देना है। अब दोस्तों, आपके फ़ोन में कोई भी प्रोसेस नहीं होगा और इससे आपका फ़ोन काफ़ी जो है फास्ट तरीके से चार्ज होगा। उसके बाद ऊपर ही आपको एक सेटिंग मिलेगी डोंट कीप एक्टिविटीज़, तो इसे भी दोस्तों आपको इस तरीके से ऑन कर देना है। इससे दोस्तों आपकी जितनी सारी बैकग्राउंड की एक्टिविटीज़ हैं वो सभी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। दोस्तों, ये दूसरी सेटिंग करते ही आप देखेंगे कि आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बाहर निकल आना है।
अब दोस्तों इन दो सेटिंग्स को करने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर तीसरी सेटिंग करनी है, और जो मैंने बताया था कि तीसरी सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों तीसरी सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग में जाना, और यहाँ पर आपको फिर से आना है और सर्च कर लेना बैटरी। इस तरीके से आपको बैटरी लिख के सर्च करना है, तो हर एक फ़ोन में बैटरी की सेटिंग दी हुई होती मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको इसे ओपन करना है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर मोर बैटरी सेटिंग के नाम से सेटिंग होगी, तो इसे आपको ओपन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग दी हुई होगी फास्ट चार्जिंग। अब दोस्तों आजकल हर एक फ़ोन में ये सेटिंग दी हुई होती है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग बंद है तो दोस्तों फिर आपका फ़ोन कैसे फास्ट चार्ज होगा। तो इसे आपको हमेशा ऑन करके रखना है। बस दोस्तों इतना करते ही आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि दोस्तों जो फ़ोन आपका 3 घंटे में या 2.5 घंटे में चार्ज होता था वो 30 से 40 मिनट के अंदर जो है फुल चार्ज हो जाएगा। तो बस दोस्तों इन 3 ट्रिक्स की मदद से आप अपने फ़ोन की चार्जिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।